क्या है। अगर आप खुद को हिंदू बोलते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप सनातनी हैं? तो क्या हिंदू और सनातनी एक ही चीज़ है? क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों को सनातनी क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले ये वीडियो आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हिंदू धर्म को सनातन क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या है जिसके कारण वो सनातन है? कहते हैं हिंदू धर्म न तो खतरे में पड़ सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। सनातन का अर्थ है जो सदैव से है और सदैव रहेगा, जिसकी ना कोई शुरुआत है और न ही अंत है, और जो हमेशा नवीन बना रहता है। जब फारस की ओर से लोग भारत आए तो सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और उनके धर्म में हिंदू धर्म कहने लगे। इसलिए भौगोलिक आधार पर नामकरण हिंदू धर्म हो गया। इसके पहले इस धर्म की विशेषताओं के कारण इसका नाम सनातन धर्म था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये धर्म सदैव से है और सदैव ही रहेगा। इस धर्म के लोग अपने धर्म पर गर्व करते हुए उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आर्यों ने भी अपनी आस्था और विश्वास के कारण अपने धर्म को सनातन कहना शुरू कर दिया होगा। परंतु गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि हिंदू धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वो इंसान द्वारा नहीं बल्कि सृष्टि में खुद से अस्तित्व में आए हैं। ये सृष्टि का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए सनातन है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में अनेक मत और धार्मिक विचार होते हैं। इस धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? इसका जवाब बहुत सरल है। इस धर्म का इतिहास संघों से चल रहा है और ये एक समुद्र धर्म है जो संपूर्ण मानवता और संसार को आपस में जोड़ता है। इस धर्म में विभिन्न मतों, संस्कृति, तर्क, दर्शन, आचार विचार और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सनातन धर्म का नाम सभ्यता से जुड़े होते हुए पैदा हुआ है। सनातन धर्म में इस बात का उल्लेख होता है कि इस धर्म की शुरुआत किसी ने नहीं की है या नाम नहीं दिया गया है। इस धर्म में मानव जीवन के सभी पहलुओं को समाहित किया गया है, जिससे सनातन धर्म को सदा अस्तित्व में रहने वाला धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म होने के साथ साथ शायद एकमात्र ऐसा धर्म है जो आज तक जितना मैदान में रहा उतना ही व्यापक, खुशगवार और समृद्ध है। ये एक लिविंग धर्म है जो शोध संशोधन के साथ निरंतर विकसित होता जा रहा है। इस धर्म में विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोग शामिल होते हुए एकाकर भाव में महसूस करते हैं। सनातन धर्म जो वैदिक धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है, वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ श्वास्त या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। इस धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है कि इस धर्म में उपस्थित सभी संभव धार्मिक और आध्यात्मिक तत्व बस उस समय तक नहीं होते बल्कि सदा बना रहता है, जिसका मतलब होता है कि सभी धार्मिक और आध्यात्मिक तत्व स्थायी और सदात्म है। सनातन धर्म अनेकों देवी देवताओं की पूजा का इतिहास उल्लेखित है। इस धर्म में कर्म, ज्ञान और भक्ति का अर्थ महत्वपूर्ण होता है। ये धर्म जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करता है। सनातन धर्म धीरे धीरे विकसित होता रहा है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धर्म सदा अपने मूलों को समझने व जानने के लिए समर्पित रहा है। संत और मुनियों द्वारा बनाए गए ग्रंथों का संचय इस धर्म में मौलिक हिस्से हैं। इस धर्म की हमेशा से काफी ऊर्जा और सामंजस्य रहा है। सनातन धर्म अभिव्यक्ति, संगीत, कला और साहित्य की सबसे बड़ी संपदा है और हमें आज तक अच्छी तरह से प्रभावित करता हुआ मिलता है। समाज में सनातन धर्म का अन्य महत्वपूर्ण अंग है परंपरा और विरासत।
इसे नव जनवाद के बढ़ते प्रभाव से संज्ञेया जा सकता है। दुनिया के सभी धर्म किसी न किसी व्यक्ति की विचारधारा से जन्मे हुए हैं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी आदि धर्मों की मान्यता किसी न किसी पैगंबर या ईश्वरीय दूतों के संदेशों पर निर्भर करती है। इन धर्मों में लोग इनकी ही जीवन शैली को अपनाते हैं, आप इनकी ही विचारधारा को मानते हैं, किंतु यही बात सनातन परंपरा पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। ये एक प्रभामय विचारधारा, सरल जीवन पद्धति नैरंतर की सरिता के समान विशाल और गहरी है। न आदि न अंत, अविनाशी उस सर्वशक्ति के समान अजय और हमेशा से निरंतर है। आपने इस वीडियो में सनातन धर्म के मूल विचारों, उसके प्रागैतिहास और ऐतिहासिक यात्रा को समझा। हमारी सनातन धर्म को समझने वाली अगले वीडियो में आपको चारों युगों, सप्त ऋषियों, पौराणिक ग्रंथों, संतों की भूमिका, परंपराओं, तीर्थों के विकास और समय समय पर होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और आप सनातन धर्म के बारे में और क्या जानना चाहते हैं ये भी बताइएगा।